अरे रोहित बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? स्कूल के लिए रेडी होना है, टाइम नहीं हो रहा है क्या? अभी सुबह सुबह तुम घूमना शुरू कर दिया है। आएंगे आएंगे, हमेशा ऐसे ही करता है। अरे हर बार तुम ही ले जा रहे हो। हाँ भाई, हाँ भाई, आप जीतेंगे तो नहीं ले जाएंगे। गेम पकड़ो हमारा, देख पकड़ा पाया नहीं ना, बोलता तुम ही ले जाता है। हेलो भाई। अरे रोहित, हमको लगा तुम स्कूल चले गए, तुम अभी तक रह। चलो चलेगा कि नहीं अभी? चलो चलो जल्दी चलो, हमेशा चांस देते रहता है, चांस जब देखो तब मौज लगा। चल मंगा तो उसके साथ घूमता है। आज से तुम अगर उधर जाएगा ना, फिर सोचना आज से तुम लोगों के साथ घूमेगा नहीं। खाली हमेशा तुम ऐसे ही करते है, स्कूल जाने के बहाने अपने दोस्त लोग के साथ तास खेलने के लिए चला जाता। उधर कहाँ जा रहा है, इधर बैठो, हमको तुमसे बात करना है। तुम कौन समझा समझा करके थक गए, तुम क्यों नहीं समझते हो? स्कूल का टाइम है, नहीं आज तुम बैठो, आज तुमको कहीं नहीं जाना है। तुम पहले मेरे को बताओ कि तुम लफंगा लोग के साथ घूमेगा कि तुम मेरा बेटा बन करके रहेगा? लफंगा लोग के साथ घूमना है तो जाओ, तुम हमको नहीं चाहिए। तुम सुधरो, तुम क्यों नहीं समझते हो? इतना दिन से तुमको समझाते समझाते थक गए। आज तुम पहले तुम सोचो कि तुम वो लोग के साथ घूमेगा कि तुम पढ़ाई करेगा अच्छा से। वो लोग के साथ घूमना है तो हम तुमको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, रहना वही लोग करके साथ। घर आने का जरूरत नहीं, हम अकेले रह लेंगे, हम जी लेंगे अपना जिंदगी अकेले, नहीं जरूरत है। खेलना है नहीं खेलना है, उधर नहीं जाओ, उधर तुमको जाना है नहीं जाना है तुम वो हमको बता दो, या फिर तुम उधर ही जाओ, वही लोग के साथ रहो, वही लोग का घर में रहो, वही लोग के साथ। जय मसीह के पास सर जी। देखिए ना पास सर जी, हमेशा हम इसको बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ, वो स्कूल जाना छोड़ करके वो लफंगा दोस्तों के साथ आज तास खेल रहा था। सुबह भी हम उसको बोले कि तुम स्कूल जाओ तो बुलाहा जाएंगे, फिर बाद में हम पानी लेके आए तो ये लफंगा दोस्तों के साथ तास खेल रहा था। पास जी इसको कुछ समझाइए, हम समझा समझा के थक गए हैं। सुन बाबू, अभी देख तेरा उम्र ये सब करने का नहीं है, तो ये सब करेगा तो कैसा होगा? तेरी मम्मी तेरे को इतना मुश्किल से पढ़ा रही है, तुम उस सब में ध्यान मत डालो, तो पढ़ाई वढ़ाई कर। हाँ ध्यान मत, सुन तुम अभी ये सब मत कर, ठीक है? तो पढ़ाई वढ़ाई कर, और ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल हमें ये सब करने का अनुमति भी नहीं देता, हमको अच्छे बन के उसका काम करना है दुनिया में, और उसी लिए हमको इस परमेश्वर से प्रेरणा मिला है। ये सब चीज मत करना, ठीक है? तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, और जो वो तुम्हारे लिए चाहता है वो सब करो, ये सब चीज करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। हेलो बेटा, कैसे है? देखो ना, वो हमको छुट्टी मिला था, हम आ रहे हैं अभी। किसका फ्रिज है यार? किसी का फ्रिज है, क्या है? लेकिन हमको मम्मी बोली थी कि, मम्मी बोली थी कि सबका हेल्प करना। इसमें तो कोई जॉब करता है उस व्यक्ति का सामान है। अरे इसमें तो उसका डॉक्यूमेंट आईडी सब है, हमको इसको पहचानना है।
भाई इसको तुम पहचानते हो? अरे आ गया भाई, चल पार्टी करने। अरे नहीं यार, हम कुछ कर, इसको पहचानते हो? अरे ये तो इधर ही गया भाई, इधर ना। हाँ सर, ये आपका ही है ना? हाँ ये तो मेरा है, बैग भी मेरा है, इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स है। वो आपके रास्ते किनारे में भूल गए थे। थैंक यू, इसमें सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स है, अगर ये नहीं रहते तो मेरा जॉब लॉस हो जाता, तो मेरा बैग दिया हमको ये क्या। थैंक यू, हम तो कुछ नहीं दे सकते हमको आपको, लेकिन प्रभु तुमका आशीष कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।